पेपर जो है तो 75 मैक्सिमम इतने नंबर का आ रहा है, 80 लाइक पेपर नहीं आ रहा है। इसने बढ़िया भी टफ आ रहा है ना, पेपर टफ आ रहा है, डीपली पूछ रहा है जी। मैथ का भी जो पूछ रहा है ना वो भी लेवल उसका अच्छा ही पूछ रहा है। भाई साहब आप कोई पंजी के वगैरह साइंस के आप लोग बताना चाह रहे हैं बच्चों, थोड़ा मोटिवेट। 87 मेरा स्कोर है, 87। बहुत अच्छा, कहाँ से आप? सतना जिला सर। क्या नाम है? अंकित सोनी। आप हमारी बहुत सारी हेल्प करेंगे, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बहुत सारे प्रश्नों की आप प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको मिलेगी। भाई साहब आपको बताएंगे, इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया 87, बहुत ही अच्छा है, इनका सिलेक्शन निश्चित है, इनका चयन कोई भी नहीं काट सकता, ये जरूर फिजिकल के बुलाए जाएंगे और लास्ट में इनकी ज्वाइनिंग भी होगी। आप सब लोग चैनल को शेयर करिए। बताए भाई साहब कृपन जी के वगैरह साइंस के। सर जी सर नॉर्मल क्वेश्चन थे सर, जैसे किस प्रकार कुछ भी आपके माइंड में रिकॉल हो। कुछ तो ऑफ आया था सर, दोनों क्वेश्चन याद है ना कुछ याद है। सन को आपका डॉर्फ स्टार बोला गया था, तो वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है सर। और बार काउंसलिंग का अभी हाँ, अभी बार काउंसलिंग का अध्यक्ष कौन है? अभी बार काउंसलिंग का अध्यक्ष कौन है एमपी पूछा था। और आप बार काउंसलिंग अध्यक्ष वाला और होलकर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? होलकर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? और स्टेडियम पूछा था सर, ग्वालियर का स्टेडियम। होलकर यूनिवर्सिटी में कानूनी शिक्षा कब से शुरू? होलकर स्टेडियम, होलकर उसमें विश्वविद्यालय में कानूनी शिक्षा कब शुरू की गई? और कोई प्रश्न आप लोगों से साइंस वगैरह, भाई साहब आप भी बता सकते हैं। सर दो क्वेश्चन गलत भी थे सर जी, दो क्वेश्चन गलत, प्रश्न जो थे बहुत सरल थे लेकिन कुछ प्रश्न जो है मिक्सर। और एमपी से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? एमपी से क्वेश्चन मुझे याद नहीं है आपको भाई साहब? सर रीजनिंग पे वो लॉजिकल वाले ज्यादा पूछ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था साहब, सुन पा रहे हैं? और कोई प्रश्न भी आप लोग को याद हो जिससे बच्चों को बहुत सारी मदद होगी? और आ जाइए, आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और क्या आप मास्क थोड़ी सी वॉइस के लिए जाएगी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और साइंस वगैरह से? साइंस से थोड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या नाम था, मतलब कहाँ से थी वो? रावण की पत्नी। हाँ, रावण की पत्नी कहाँ से थी? ठीक है ना, मंदसौर। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा न्याय निगमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्याय निगमन से रीजनिंग में ज्यादा प्रश्न आए हुए थे। तार्किक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तार्किक क्वेश्चन रीजनिंग में। मैथ्स में एवरेज के थोड़े टफ क्वेश्चन सब आने लगे हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन आने लगे मैथ से। एप्लीकेशन मैथ में किस प्रकार आ रही है? भाई साहब आप लोग कोई प्रश्न जी के साइंस के जो आपके डिकोडिंग में भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में बोडो मास का काफी अच्छे क्वेश्चन, बोडो मास का यूज ज्यादा यूज हो रहा है, क्वेश्चन काफी काफी बड़े क्वेश्चन जी के साइंस प्रश्न आपको याद हो? एक पूछा गया था सर, अनिल काकोडकर किस जिले से है? अनिल काकोडकर किस जिले से? अनिल काकोडकर किस जिले से ये प्रश्न आया हुआ था? और पूछा गया था शिवेंद्र सिंह किस जिले से है? शिवेंद्र सिंह किस जिले से ये प्रश्न पूछा गया था? मैं तो सर बहुत ही। और कोई प्रश्न आप लोग भाई सब जी के लिए, आपको साइंस कुछ भी रिकॉल हो रहा है माइंड में आ रहा हो? मैथ में सर एक क्वेश्चन था, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 180 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या। नंबर सिस्टम प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्ड सरलीकरण वगैरह भी आ रहा है जी, सरलीकरण वो आंसर गलत, टाइम सिंपल ज्यादा हो रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ रहा है, यानी टॉपिक तो वही है लेकिन कैलकुलेशन बड़े, आप जैसे बोडो मास का काफी लंबा लंबा दे दे रहा है, ये लगे जैसे रॉन्ग हो, आंसर नहीं है उसके। अच्छा दो चार क्वेश्चन रॉन्ग भी आ रहे हैं, मतलब सबको बेनिफिट होना निश्चित है। 4 से 5 नंबर, 2-4 क्वेश्चन जो रॉन्ग आ रहे हैं अगर उसमें जो फंस गया तो उसको फिर वो टाइम उसको 5 नंबर का वेस्ट ना करें। आयु की संख्या भी, आयु की जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सरल आ रहे हैं सर। आप लगभग कितने का स्कोर किया? हमने सर 46 का किया। 46 आपने? 48। आप 74। कहाँ से आप? पन्ना। जैसे आप सुन 74 इन्होंने, आप 70। कहाँ से आप? मैं सडोल से हूँ। आप 72। कहाँ से आप? यूपी से, प्रयाग। यूपी, जैसे आप तो 37 बताए हैं। अच्छा मैथ को, मैथ में ज्यादा किस टॉपिक आ रहे हैं? सर सभी से आ रहे हैं लेकिन नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, कैलकुलेटिव ज्यादा है, नॉर्मल है लेकिन मैथमेटिक है कि मॉडर्न, एडवांस बहुत कम क्वेश्चन है, एडवांस मतलब मैथ बहुत कम आ रहे हैं सर, 1-2 बस हो गया सर, घने क्वेश्चन थे। ज्यादा किस टॉपिक प्रश्न है? सिलोलिज्म, सिलोलिज्म और न्याय, और ये हाँ सिलोलिज्म एक न्याय निगमन हो गया, एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एक तार्किक, इसमें सभी से 5-5 आ रहे हैं जी। या संबंध वाले भी हैं सर, रिलेशन वाले भी, एक थे, एक क्वेश्चन थे नॉर्मल, एक था नॉर्मल, बाई तरफ से इसका स्थान कितना और दाएं तरफ से। अच्छा रीजनिंग में आकृति वाले प्रश्न आ रहे हैं, डायग्राम वगैरह कुछ देखा थे? 1-2 थे सर, ज्यादा नहीं थे जी सर, 2 थे, 2 सर, 1-2 थे। अच्छा आकृति वाले प्रश्न। और मैथ में परसेंटेज का, टाइम एंड वर्क परसेंटेज वगैरह से? टाइम वर्क कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज थे सर। अच्छा करंट कोई प्रश्न आपका, करंट अफेयर्स किस लेवल का है? करंट ज्यादा पुराना पूछ रहा है कि अभी छतरपुर की मतलब कि रेस हो क्या है करके वो आया था अभी, फुटबॉल में कौन खिलाड़ी को कितना है, फुटबॉल करंट का, फुटबॉल खिलाड़ी से 700 रुपया, फुटबॉल खिलाड़ी से करंट में एक प्रश्न हुआ था सर, उसमें भी आया था सर करंट अफेयर, 3-4 क्वेश्चन था करंट अफेयर का, 3-4 जिससे जैसा कोई आपको माइंड में आ रहा हो रिकॉल? ज्यादा खिलाड़ी अगर आया था और सर मैथ में ज्यादा आया था,
आप कहाँ से हैं? सर यूपी से। क्या नाम है? सोहित तिवारी। आपने कितने स्कोर किया? सर 54। 54। चले, और आपको प्रश्न है, आपको किसी को भी रिकॉल हो रहा है माइंड में, आपको प्रश्न आप बताना चाह रहे हो कि किस प्रकार से पेपर आने का? जो प्रश्न आते हैं उसमें से ये समझ में नहीं आता है कि जैसे रीजनिंग के टॉपिक वाइज में ये लिखा रहता है कि विषम को छांटिए, अब विज्ञान में उस आधार पर हम किस तरह से उसको विषम को छांट सकते हैं, जैसा कि चार में से तीन अलग है और एक को अलग निकालना है, तो ये विज्ञान में से आता है, ये लॉजिक वाला विज्ञान में से आता है। इसमें तरल पदार्थ पूछा जाता है, मतलब चार क्वेश्चन ऑप्शन जैसे उसमें से पूछा जाता है एक तरल पदार्थ कौन सा हो, इसमें से किसी को शायद याद हो। अच्छा, तरल पदार्थ टाइप का है ना, गैस और लोहा था, मतलब एक तांबा था ऐसे कुछ, तो उसमें से कौन सा तरल पदार्थ है? ये तरल पदार्थ के विषय में पूछा था, कुछ ऑप्शन भी। अच्छा, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस द्रव्य गैस पदार्थ की, साइंस में सुन पाने पदार्थ की अवस्थाओं से प्रश्न। इसमें कौन सा कौन डिफरेंस है जी, पूछा था तो सोडियम डिफरेंस था, लोहा और सोडियम, मतलब शायद सोडियम अलग होगा उसमें से, सोडियम अलग होगा, तांबा लोहा और जस्ता ऐसे कुछ करके था जिसमें से सोडियम शायद अलग हो जी। और कोई प्रश्न आप लोग को दे रहा है माइंड में? आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस वर्ष पेपर कैसा है? सर ठीक ही था, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ठीक ही था सर, लेकिन एमपीजी का सर कुछ बोल नहीं सकते, वो बंद भी जाते हैं। मेलो वगैरह से, संग्रहालय वगैरह से, अकादमी वगैरह से? नहीं सर, कोई नहीं सर, एमपी का किनारे बसे सर वगैरह नहीं सर, एमपी सब मेलो वगैरह से भी नहीं ना, नदी से एक भी नहीं आया समारोह संघ। अच्छा, राजकीय नृत्य वगैरह? वही छतरपुर का लिंगानुपात पूछा, लिंगानुपात नहीं आया है, सेक्स रेशियो छतरपुर का, मतलब एमपी का मान्य थे प्रॉपर, पांच से चार क्वेश्चन आए थे जी, उसमें से कोई दे आपको ध्यान नहीं, छतरपुर लिंगानुपात, छतरपुर हो गए, एक ग्वालियर का जो कुछ था, मतलब राजा थे, हां बार काउंसिल, स्टेडियम वगैरह प्रश्न। और हॉकी का, हॉकी का स्टेडियम सबसे बड़ा कहाँ है ये पूछा था, गुजरात नहीं, चार पांच ऐसे ऑप्शन दिए थे। अच्छा, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है इस प्रकार, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा इस प्रकार प्रश्न था। और कोई प्रश्न? क्रांति के बारे में पूछा था, एमपी धान कटोरा कौन किसे था, एमपी को धान कटोरा कहाँ, बालाघाट वाला, एक बालाघाट था उसका आंसर। और सर एक पूछा गया था मध्य प्रदेश में वार्षिक व्यय कितना है, करंट से क्वेश्चन, में क्या वार्षिक व्यय, मतलब करंट अफेयर से 2021 व्यय का, मध्य प्रदेश का वार्षिक व्यय, जैसे आपसे करंट अफेयर प्रश्न। और सर रिकॉल नहीं आ रहा, लेकिन सर मतलब करंट के ज्यादा टफ आ रहा है, ज्यादा पुराना है अभी, दो तीन क्वेश्चन थे यही, एक वही था शिवेंद्र सिंह वाला, ये किस जिले से संबंध रखते हैं, और बस मतलब दो तीन क्वेश्चन थे सर। नंबर सुन ज्यादा डिविलिटी का दिखा, नंबर सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं थे, मतलब बहुत अच्छा पेपर था, पढ़ेंगे बहुत सर। मैथ में कैलकुलेशन ज्यादा टफ आ रही है, कुछ क्वेश्चनों में है, ज्यादा तो नहीं है, मतलब समय तो ज्यादा नहीं लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, नहीं कुछ मतलब दो चार क्वेश्चन है जो एक एक दो दो मिनट लगेगा जिसमें जी, दो चार क्वेश्चन में दो मिनट किसी में एक मिनट, लेकिन जो पढ़ा उसको निकल जाएगा सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आदर्श आईएएस अकेडमी की टीम आपके प्रयास में लगातार लगी हुई है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके और इस रिव्यू को देख सके और पेपर को और बेहतरीन बना सके। कैमरामैन शिव कुमार जी के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, आदर्श आईएएस अकेडमी की पूरी टीम आपके सहयोग में लगातार बनी हुई है। आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जिसके माध्यम से हम आपको और वीडियो प्राप्त करा सके। दोनों शिव पे जो एग्जाम होंगे हम आपको डेली रिव्यू देंगे जिसके माध्यम से आपको प्रश्नों की श्रृंखला प्राप्त होगी, आप समझ पाएंगे कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, कौन कौन से टॉपिक है, कितना वेकेंट है, किस टॉपिक कितने पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैमरामैन शिव कुमार जी के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, हमारे सहयोगी टीम में इंद्रवन मिश्रा जी मौजूद हैं वर्तमान में, ठीक है। चलिए आज का इतना ही, जय हिंद जय भारत। चैनल का नाम बता सकते हैं? यस, आदर्श आईएएस अकेडमी।